साल 2023 की पहली एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी होगी। पौष माह के शुक्ल पक्ष की पौत्र पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। इसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों सालों तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता। सनातन धर्म में हर एकादशी का अपना महत्व है। पौष पुत्रदा एकादशी योग्य संतान की कामना के लिए उत्तम फलदायी है। इस व्रत के परिणाम स्वरूप संतान को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है, पहला पौष मास में और दूसरा सावन मास में। ये दोनों ही व्रत संतान की हर संकट में रक्षा करने वाले माने गए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 जनवरी 2023 को रात 7:11 से प्रारंभ हो रही है, जो कि अगले दिन 2 जनवरी 2023 को रात 8:23 पर समाप्त हो रहा है। पौष पुत्रदा एकादशी का पारण मुहूर्त 3 जनवरी 2023 को सुबह 7:14 से सुबह 10:42 तक है। पुराणों के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से अनुष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। विवाहित दंपत्ति को संतान प्राप्ति हेतु पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। कान्हा का अभिषेक कर पति पत्नी को साथ मिलकर ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः इस गोपाल मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। भगवान कृष्ण को माखन मिश्री चढ़ानी चाहिए और फिर रात्रि जागरण कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। मान्यता है कि यह उपाय संतान संबंधी हर समस्या का समाधान करता है।